नमस्कार दोस्तों, डीडी साइंस की इस कड़ी में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ऐसे कुछ आविष्कारों की जो मील का पत्थर साबित हुए। ऐसा ही एक आविष्कार है ट्रांजिस्टर। इसी आविष्कार के चलते रेडियो और टेलीफोन की परिकल्पना साकार हो सकी। तो आइए आज आपको बताते हैं कैसे हुई ट्रांजिस्टर की खोज। आप किसी भी वैज्ञानिक से पूछें दुनिया के 10 सबसे बड़े आविष्कारों के बारे में, उनमें से एक आविष्कार यह अनगढ़ सी दिखने वाली रचना जरूर होगी। इसी ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसी की वजह से आपका कंप्यूटर है, स्वास्थ्य की देखरेख करने वाले बुद्धिमान उपकरण हैं, तेज दौड़ने वाले हवाई जहाज हैं, इंटरनेट है और सेलफोन है जो कंप्यूटर का काम करता है। ट्रांजिस्टर की कहानी रोचक है। जिन्होंने इसे खोजा उन्होंने इसके विविध उपयोगों के बारे में नहीं सोचा था। धीरे धीरे इसने दुनिया को बदलना शुरू कर दिया। ट्रांजिस्टर पहला ऐसा आविष्कार था जहां वैज्ञानिक किसी पदार्थ के परमाणविक स्तर पर जाकर उसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उनकी चाल में छेड़छाड़ कर रहे थे। एक तरह से यह परमाणविक भौतिकी की आविष्कारों की दुनिया में पहली दखल थी। ट्रांजिस्टर का प्रायोगिक रूप। फिर आया यह तीन पैरों वाला टोपी नुमा ट्रांजिस्टर, जो बना था सिलिकॉन जैसी अर्धचालक धातु के एक छोटे से टुकड़े से। आज इसी छोटे टुकड़े में लाखों ट्रांजिस्टर बने होते हैं। इन्हें हम माइक्रो प्रोसेसर या सिलिकॉन चिप के नाम से भी जानते हैं। चिप में जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर आपका कंप्यूटर उतना ही तेज माना जाता है। ट्रांजिस्टर की कहानी शुरू होती है इस अनोखे बल्ब से, जिसका आविष्कार 20वीं सदी के प्रारंभ में हुआ था। इन्हें ट्रायोड और डायोड कहा जाता था। ट्रायोड विद्युत परिपथ का एक अभिन्न अंग था, खास तौर से उन परिपथों में जो कि टेलीफोन और रेडियो संचार के लिए इस्तेमाल होते थे। इस समय तक यह खोज हो चुकी थी कि विद्युत करंट इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। साधारण तौर पर हम यह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन करंट के रूप में तारों के अंदर बहते रहते हैं। ट्रायोड ने इंजीनियरों को एक अद्भुत क्षमता प्रदान कर दी। वह एक विलक्षण तरीके से इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते थे। ट्रायोड में 3 इलेक्ट्रोड लगे थे और अंदर निर्वात निर्मित था। इलेक्ट्रॉन सीधे कैथोड से एनोड की ओर बहते। कमाल शुरू होता गेट पर आवेश लगने के साथ। गेट पर ऋणात्मक और धनात्मक आवेश लगाकर इलेक्ट्रॉन की धारा को प्रभावित किया जा सकता था। इस ट्यूब ने इंजीनियरों को कई तरह से करंट में बह रहे इलेक्ट्रॉनों को नियंत्रित करने की क्षमता दे दी। टेलीफोन पहला क्षेत्र था जहां इन ट्यूबों ने कमाल कर दिखाया। ट्रायोड के आने के बाद टेलीफोन का विस्तार बहुत तेजी से हुआ। 1930 और 40 के दशक तक दुनिया भर में लाखों किलोमीटर टेलीफोन लाइनें बिछ चुकी थी। रेडियो भी इन्हीं ट्यूबों की वजह से घर घर पहुंचा। ।1940 की शुरुआत में दूसरे विश्व युद्ध के बादल दुनिया पर मंडराने लगे थे। अमेरिका और यूरोप में नई तकनीक के विकास पर बेतहाशा पैसा खर्च हो रहा था। यह है आज तक आकार में कभी बना दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर। इसका नाम सेज था। यह पहला कंप्यूटर था जिसमें स्क्रीन लगी थी, जिसे कि हम मॉनिटर कहते हैं। सेज 60,000 वैक्यूम ट्यूब से मिलकर बना था। इसका वजन था 250 टन। इसके लिए एक बड़ी इमारत बनाई गई थी और इस कंप्यूटर की बिजली की खपत थी
3 मेगावाट एक अच्छे खासे नगर की बिजली की जरूरत के बराबर। तब कंप्यूटर इंसान की जरूरत नहीं बने थे, टेलीफोन ज्यादा जरूरी थे। टेलीफोन कंपनियां पूरी दुनिया में टेलीफोन फैलाना चाहती थीं, लेकिन ट्यूब जो कभी टेलीफोन के विस्तार की वजह बनी थी अब विस्तार में बाधा बन रही थी। बल्ब के समान यह बहुत गर्म हो जाती थी, फ्यूज हो जाती थी। व्यापारिक रूप से इन्हें ठंडा रखने की व्यवस्था करना महंगा सौदा था। टेलीफोन कंपनियां इनका एक विकल्प चाहती थीं, ऐसा विकल्प जो ट्यूब का काम तो करे लेकिन इससे ज्यादा टिकाऊ हो। अमेरिका की बेल टेलीफोन कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी टेलीफोन कंपनी थी। यहाँ के 3 वैज्ञानिक जॉन बार्डीन, विलियम शॉकले और वॉल्टर ब्राटेन ट्यूब के विकल्प की तलाश में थे। सन 1948 में उन्होंने ट्रांजिस्टर के आविष्कार की घोषणा की। The transistor, operating on a new and different principle, arising from basic research on solid substances and how the electrons inside them behave. How did it all come about? Well, doctors Shockley, Bardeen and Bratton and their associates at the Bell Telephone Laboratories were working on a problem in pure research, investigating the surface properties of germanium, a substance known to be a semiconductor of electricity. Their study suggested a way to amplify an electric current within a solid without a vacuum or a heating element. And after months of calculations, experiments, tests, the transistor was born. The transistor, a new name, a new device that can do many of the jobs done by the vacuum tube and many the tube can't do. 1950 के दशक में बेल टेलीफोन कंपनी ने लोगों को ट्रांजिस्टर का महत्व समझाने के लिए इस फिल्म का इस्तेमाल किया था। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रांजिस्टर भविष्य में टेलीफोन सेवा में किस तरह योगदान देगा। अब मैं इस स्विच की मदद से ऐसी स्थिति बनाता हूं कि आपके टेलीफोन पर आवाज 700 किलोमीटर दूर से आए। कृपया रिसीवर पर सुनिए, मैं इस टेलीफोन पर बोलूंगा। आप में से शायद ही किसी को मेरी आवाज सुनाई दी हो। अब मैं इस दूसरे स्विच को चालू करता हूं और अब आप मेरी आवाज को साफ सुन सकते हैं। ऐसा इन रिपीटर यूनिट की वजह से होता है जो कि निर्वात ट्यूबों से बनी है। जब आपकी आवाज लंबी दूरी तक जाती है तो यह उसे एम्पलीफाई या आवर्धित करती रहती है ताकि वह आप तक साफ साफ पहुँचे। देखिए यह रिपीटर यूनिट कितनी छोटी है, यह भी आवाज को आवर्धित करती है और इसका विकास ट्रांजिस्टर की वजह से हुआ है। यह ध्वनि को आवर्धित करने वाला अत्यंत छोटा सा उपकरण है जिसे ट्यूब के समान गर्म होने की जरूरत नहीं होती और यह ताउम्र चलता रहेगा। हमारे वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश में हैं कि हम इस ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। राजस्थान के पिलानी शहर में भारत की एक प्रसिद्ध प्रयोगशाला जिसे सीरी भी कहा जाता है, यहाँ खास किस्म के माइक्रो प्रोसेसर बनाए जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को आप कंप्यूटर चिप के नाम से जानते भी हैं। प्रोसेसर बनाने की प्रयोगशालाएं सफाई की मिसाल होती हैं। जब पहली बार ट्रांजिस्टर्स फैब्रिकेट किए थे काफी बड़े थे, व्हेन यू कंपेयर टू द नॉर्मल साइज आप से देख सकते थे, बट आज के जमाने में ऐसा है कि ट्रांजिस्टर बहुत छोटे हो गए, इतने छोटे हैं कि बैक्टीरिया से भी छोटे हो गए। सो दैट इज द रीजन यू हैव टू यूज माइक्रोस्कोप टू कंट्रोल दिस थिंग। इसी कारण यदि आप डिवाइस फैब्रिकेट करना चाहते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स को आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा, बिकॉज डस्ट पार्टिकल्स आर मच मच बिगर देन द डिवाइस साइज। और लोग किस लिए छोटे डिवाइसेस पे काम करना चाहते हैं, इसीलिए कि स्मॉलर द डिवाइस द बेस्ट विल बी द परफॉर्मेंस। माइक्रो प्रोसेसर एक तरह से लाखों ट्रांजिस्टरों से बना एक विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। यह सर्किट काम के मुताबिक करंट को नियंत्रित करने का काम करता है। दुनिया का पहला ट्रांजिस्टर करीबन आधा इंच ऊंचा था। आज 1 मिलीमीटर के क्षेत्र में लाखों ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। जितने अधिक ट्रांजिस्टर
उतना अधिक तेज आपका प्रोसेसर और उतना ही तेज आपका कंप्यूटर। आज का घरू कंप्यूटर सेज कंप्यूटर के मुकाबले लाखों गुना तेज है। सारा का सारा कमाल है सिलिकॉन जैसे अर्धचालक का। बिजली से संबंधित सारे उपकरण तांबा एल्यूमिनियम लोहा जैसी धातुओं से बनाए जाते हैं। करंट बहने के लिए चाहिए मुक्त इलेक्ट्रॉन। इन धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन असीमित संख्या में होते हैं, इसीलिए इन्हें विद्युत का अच्छा सुचालक माना जाता है। सामान्य हालातों में सिलिकॉन विद्युत का सुचालक बिल्कुल नहीं होता, लेकिन इसके परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था थी वह वैज्ञानिकों को एक अंतर्दृष्टि प्रदान कर रही थी। ट्रायोड के भीतर धातु के कैथोड और एनोड लगे थे। इनसे वैज्ञानिकों को भरपूर इलेक्ट्रॉन धारा मिलती थी। वैज्ञानिकों का मानना था कि उन्हें इतने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत नहीं है, वह इससे अत्यंत कम इलेक्ट्रॉनों से काम चला सकते हैं। मेटल्स में ऐसा है कि देयर इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, इसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं कर सकते। बट सेमीकंडक्टर्स में प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। आई कैन मेक इट अ गुड कंडक्टर, आई कैन मेड इट एज अ बैड कंडक्टर आल्सो। ये एडवांटेज सेमीकंडक्टर्स में मिलते हैं। यदि मेटल को आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज द प्रॉपर्टीज आर ऑलरेडी फ्रीज्ड। इसी अंतर्दृष्टि का कमाल था कि आप पिछले जमाने के सेज सुपर कंप्यूटर से भी ताकतवर कंप्यूटर घर पर चलाते हैं। जहां सेज के लिए एक पूरा बिजली घर चाहिए था, आपका कंप्यूटर एक बल्ब से भी कम बिजली लेता है। आप देख रहे हैं किस तरह हुई ट्रांजिस्टर की खोज। इस कहानी में अभी और भी बहुत कुछ है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम अभी लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, करंट प्रवाह के लिए यूं तो धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने ट्रांजिस्टर के लिए सिलिकॉन जैसे अर्धचालक का इस्तेमाल किया। इसके पीछे क्या वजह थी, आइए जानते हैं। माइक्रो प्रोसेसर बनाना कला का एक अद्भुत नमूना है। यह कमरा है जहां विद्युत परिपथ को कांच की फोटो प्लेट पर उतारा जाता है। इसे मास्क बनाना कहते हैं। एक तरफ सिलिकॉन की वेफर पर धातु की सतह चढ़ाई जा रही है। प्रयोगशाला का सबसे प्रसिद्ध कमरा होता है डोपिंग कक्ष। इसे साधारण भाषा में मिलावट करने वाला कमरा भी कहते हैं। यही सिलिकॉन में वह प्रसिद्ध अर्धचालक प्रभाव पैदा किया जाता है जो सिलिकॉन को विद्युत का सुचालक बना देता है। यहाँ कांच की भट्टियां अत्यंत ऊंचे तापमान पर गर्म होती रहती हैं। भट्टी में रखने से पहले वेफरों को सुखाना एक जरूरी कदम है। गर्म भट्टी में बोरॉन की गोल चिप्स पहले से रखी रहती हैं। सिलिकॉन को बोरॉन के आगे क्रम से जमा दिया जाता है। भट्टी के अंदर गर्म तापमान में बोरॉन के परमाणु सिलिकॉन के परमाणु के साथ एक क्रिया कर
उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पैदा कर देते हैं। सिलिकॉन के परमाणु में कुल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में घूमते हैं। पहली कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरी कक्षा में 8, बाकी बचे 4 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में रहते हैं। सबसे बाहरी कक्षा ही हमारे काम की है। बाहरी कक्षा में जगह होती है 8 इलेक्ट्रॉनों की, लेकिन सिलिकॉन के पास हैं सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो यह परमाणु अस्थिर होता है, वह जुगत में रहता है। 4 और इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ से जुगाड़ लिए जाए ताकि कक्षा पूरी तरह भर जाए। यह परमाणु सिलिकॉन के दूसरे परमाणुओं के साथ अपने आप को इस तरह जमा लेता है कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन साझा हो जाते हैं और हर परमाणु को लगता है कि उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैज्ञानिक यहाँ एक चतुराई से काम लेते हैं। वह सिलिकॉन के पास बोरॉन को लाते हैं। बोरॉन के परमाणु की बाहरी कक्षा में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरॉन सिलिकॉन परमाणु के साथ एक बंध बना लेता है। अब इस यौगिक की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और एक स्थान खाली रहता है। यह खाली स्थान एक चुंबक की तरह काम करता है। पास के परमाणु के इलेक्ट्रॉन इसे भरने के लिए दौड़ लगाते हैं। जैसे ही यह भरा, अगले परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो जाती है या खाली स्थान बन जाता है। ऐसा लगता है मानो खाली स्थान यहाँ से वहाँ दौड़ रहा हो, लेकिन हकीकत में इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ दौड़ रहे होते हैं। वैज्ञानिक इसे सिलिकॉन में होल का भागना या पी टाइप डोपिंग के नाम से जानते हैं। अगली भट्टी में सिलिकॉन में फास्फोरस की डोपिंग की तैयारी हो रही है। गर्म भट्टी में फास्फोरस गैस प्रवाहित की जाती है। फास्फोरस के परमाणु के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही यह सिलिकॉन के परमाणु के साथ बंध बनाता है तो 4 इलेक्ट्रॉन तो बाहरी कक्षा को भर देते हैं और बचता है 1 इलेक्ट्रॉन। जब भी जरूरत होती है, वैज्ञानिक करंट बहाने के लिए इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को यहाँ वहाँ से दौड़ाते रहते हैं। इस तरह की मिलावट को एन टाइप मिलावट कहते हैं। पहले वैज्ञानिक वैक्यूम ट्यूबों में इलेक्ट्रॉन की धारा पैदा किया करते थे। वही इलेक्ट्रॉन की धाराएं अब ठोस सिलिकॉन चिप के अंदर पैदा की जाती हैं। एक तरह से अर्धचालक ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब का ठोस रूप है। पहला ट्रांजिस्टर अर्धचालक के अलग अलग टुकड़ों से बना था, जिसकी ऊंचाई करीबन आधा इंच थी। आज अर्धचालक के एक नन्हे टुकड़े पर लाखों ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। आखिर क्या होता है इस आकार का मतलब? तो देखा आपने किस तरह सिलिकॉन का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने ट्रांजिस्टर का विकास किया। आज के ट्रांजिस्टर तक पहुंचने के लिए कई और पड़ाव भी पार करने पड़े, बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की धारा पैदा करने के लिए पहले वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ठोस सिलिकॉन चिप के प्रयोग ने ट्रांजिस्टर के प्रकार और आकार में कई नए परिवर्तन कर दिए। अब छोटे से टुकड़े पर लाखों ट्रांजिस्टर तैयार हो जाते हैं। सीरी की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रयोगशाला। यह माइक्रोस्कोप चीजों को हजारों गुना आवर्धित कर देता है। पहले माइक्रोस्कोप में एक आलपिन रखते हैं। और पिन के ऊपरी सिरे को आवर्धित करते हैं। थोड़ा गेस करने की कोशिश करें कि क्या दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पहाड़ कुछ है,
सम बड़ा स्ट्रक्चर है। नाउ वी गो बैक, पीछे चलते हैं और नीचे चलेंगे तो आपको पता चलेगा ये वो नहीं है जो आप अब तक सोच रहे थे। ये नॉर्मल ऑल पिन है, उसका हेड है। ये बहुत हाई मैक पे है, अराउंड 800 टाइम्स। एंड वी आर नाउ मूविंग बैक। आप थोड़ा सा इसका वो देख पा रहे हैं, पोर्शन देख पा रहे हैं। अब आपका जो शेप है ऑल पिन के हेड की, अब माइक्रोस्कोप में एक बहुत पुराना सिलिकॉन का चिप डाला जाता है। इसमें बने ट्रांजिस्टर करीब 3 माइक्रोन आकार के हैं। 1 माइक्रोन 1 मिलीमीटर के 1000वें हिस्से के बराबर होता है। माइक्रोस्कोप में हम चिप की सिर्फ ऊपरी सतह को देख सकते हैं। जहां भी ऐसा आपको क्रॉस सेक्शन मिलेगा ना, वहां पे यू हैव वन ट्रांजिस्टर। यह चिप इतना पुराना है कि इसके काफी हिस्से खराब हो चुके हैं। ट्रांजिस्टर इससे भी हजारों गुना छोटे हैं, जिन्हें विशेष क्षमता वाले माइक्रोस्कोपों से भी देखा नहीं जा सकता। हर एक ट्रांजिस्टर एक बड़ी वैक्यूम ट्यूब के सभी काम करता है। जरा सोचिए कि अगर आज भी वैक्यूम ट्यूब होती तो 10 लाख ट्यूब लगाने के लिए कितनी बड़ी जगह की जरूरत होती और कितने ज्यादा करंट की खपत होती। ट्रांजिस्टर के बिना तो आधुनिक युग संभव ही नहीं था। दोस्तों बिल्कुल सच है, अगर ट्रांजिस्टर की खोज और विकास नहीं होता तो आज के आधुनिक संचार संसाधन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उम्मीद है आपको ये जानकारी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। हम फिर हाजिर होंगे विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही जानकारियों के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस दुनिया में सभी कुछ छोटे कणों जिसे परमाणु कहते हैं से मिलकर बना है। वर्तमान में 118 विभिन्न प्रकार के परमाणु मौजूद हैं। अधिकांश चीजों में एक से अधिक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, लेकिन प्रकृति में कुछ चीजें केवल एक प्रकार के परमाणु के साथ अपने शुद्ध रूप में भी पाई जाती हैं, जिसे एक तत्व के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए शुद्ध सोने के पिंड में केवल एक प्रकार का परमाणु ही निहित होता है। यदि हम सोने के पिंड को बड़ा कर देखें तो हम पाएंगे कि एक प्रकार के कई सोने के परमाणु उसमें निहित हैं। इसी प्रकार जब हम चांदी के पिंड को बड़ा करके देखते हैं तो हमें चांदी के कई परमाणु दिखाई देते हैं। चूंकि 118 प्रकार के परमाणु हैं, तो इस प्रकार प्रत्येक के लिए एक यानी 118 प्रकार के तत्व भी होने चाहिए। इनमें से कई से हम अपने दैनिक जीवन में रूबरू होते हैं, जैसे कार्बन, लोहा और एल्युमिनियम। लेकिन अन्य तत्व जैसे कि एस्टेटिन या यूटरबियम का नाम शायद ही हमने सुना होगा। लेकिन विज्ञान से जुड़े लोगों को कई तत्वों के साथ बहुत सारे नाम याद रखने होते हैं। ऐसे में सभी तत्वों को दर्शाने वाली एक सूची उपलब्ध है, जो सबसे हल्के परमाणु हाइड्रोजन के साथ शुरू होकर सबसे भारी परमाणु वाले यूरेनियम के साथ खत्म होती है। इस सूची को आवर्त सारणी कहा जाता है। यह सभी ज्ञात रासायनिक तत्वों के परमाण्विक गुणों का संक्षिप्त प्रारूप है, जिसमें चिन्ह, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान और तत्वों के बीच संबंध शामिल हैं। सन 1869 में रूस के वैज्ञानिक दमित्री मेंडलीव ने आवर्त लॉ का सूत्र दिया और तत्वों की आवर्त सारणी का दूरदर्शी संस्करण बनाया, जिसमें न केवल उस वक्त के ज्ञात सभी तत्वों की सूची थी बल्कि अन्य अज्ञात तत्वों के लिए इस सूची में जगह छोड़ी गई थी। जब से मेंडलीव ने आवर्त सारणी प्रणाली पर काम किया था तब से लेकर अब तक इसे 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। यूनेस्को ने सन 2019 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स के रूप में घोषित किया है। तब से लेकर अब तक इस आवर्त सारणी में कई संशोधन हुए हैं
और आज यह विज्ञान की सबसे प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। प्रत्येक तत्व और आंकड़ों को याद करने की बजाय हम फौरन एक नजर इस सारणी पर डालते हैं। यह तत्वों की क्रियाशीलता के बारे में बहुत कुछ बताती है, चाहे वह विद्युत प्रभाव हो, चाहे वह नरम हो या कठोर, या फिर तत्वों के कई अन्य विशेषताएं हों। एक बार वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इस सारणी को समझ लिया तो वे इसे अपने पूरे प्रयोगों में लागू कर सकते हैं। Hi, sorry, this tea is great and I'm not able to leave it. No, it's okay. But have you ever thought, what is that magic that makes tea so exciting for our taste buds? Why it is so refreshing? Let's find out in this episode. An ancient beverage that's traveled the world. A new age potion that boosts health and fitness. A drink which inspires rituals, or a simple excuse to gather with friends and family. The humble chai is indeed remarkable. Between the cup and lip, there's many a story to be told about tea. Within each sip lies a world of science and tradition, art and chemistry, heritage and technology. What makes for this tantalizing brew? And how can modern-day research ensure it excites our taste buds well into the future? That's a question of science. There's nothing more refreshing than a cup of tea. No matter which form, flavor, or aroma you enjoy, it has an immediately comforting and vitalizing effect. Nowhere is this truer than in India, which has the largest number of tea drinkers in the world. Not surprising then that India is also amongst the largest producers of tea in the world, second only to China, where it was first discovered thousands of years ago. These are the gentle slopes of Jorhat in Assam, in India's largest tea-growing region. The world-renowned Assam tea, besides many other varieties, is grown here. So what exactly is tea? All tea, be it black, green, white, yellow, or oolong, comes from the same plant, Camellia sinensis. It's in these hills of Assam that in 1823, British officer Major Robert Bruce stumbled upon the plant growing wild. It was used by the Singpo tribe to concoct local brews, but Major Bruce recognized it as tea, and thus was born the rich tradition of tea cultivation in the region. For centuries since, tea estates have been brewing magic in these plantations. I'm a second generation planter from our family's side, so tea is nothing new to me. To make good quality tea, you have to have the backing of science with your art of making fine tea. Generations of tea planters have dedicated their lives to this fine art. Today, it's grown into a massive industry where its cultivation and manufacture are highly honed crafts. It all begins with picking, planting, and growing the right variety. In the world of tea, these varieties are known as clones or cultivars. Once a tea clone or cultivar is planted, it can grow for nearly 50 years. These plants require a great deal of care. They must have the perfect combination of soil acidity, the right amount of rainfall, and ideal humidity and temperature. Even leaf plucking is a delicate affair. There are no machines, and everything is done by an expert hand following a cardinal rule. Not every leaf is to be picked, just two select leaves and a bud from every shrub. But in the 21st century, where demands are sky high and supply is threatened by climate change, there are new challenges.
So what can science do to lend a hand? We as the planting community, we would like the research to take place on certain new varieties of clones as new planting material in the tea estates, which can withstand drought, which is one of the major concerns with global warming. We would also like new type of plants which are resistant to pests to a certain degree, which would also eliminate or reduce rather the impact of pesticide load on tea. Over and above that, we would like ways and means of how to enrich soil by adding less quantity but with more higher nutrient value. The call to tea researchers is clear: to provide the industry with a means to combat climate change, pesticide-free agri solutions, updated manufacturing methods and machinery, and new varieties of tea, especially organic teas that are gaining popularity around the world. When it comes to fulfilling these wishes, tea planters need look no further than the Tea Research Association, or TRA, built on the foundation of India's oldest and largest tea research institute. This is the Toklai Experimental Station, the epicenter of tea research in India. The Toklai Experimental Station, currently called the Toklai Tea Research Institute, is a century-old organization. This was established in 1911 by the tea planters. It is probably one of the very few research organizations where there is participation from the growers, that is from the tea industry and the government together running an organization. The Toklai Tea Research Institute, or Toklai as it's known, is built expressly to service the needs of planters and manufacturers. Its impact is felt across over 1,000 tea estates occupying more than 3 lakh hectares across Northeast India. And though Toklai may be 100 years old, it's the tea industry's best way to keep up with the future. We are also a large consuming nation, tea consuming nation. Therefore, it is absolutely essential that the productivity and the quality of tea produced in our country is improved day by day. And so Toklai brings out all its tools of cutting-edge science. From biochemistry and biotechnology to IT, remote sensing, and new age gadgetry. And it all starts here in the botanical gardens. These gardens have one of the largest collections of tea clones or cultivars in India. Each variety has a unique set of traits. These traits range from different flavor and aroma profiles to drought resistance and pest tolerance. Every plant's morphology or physical attributes is carefully studied. Toklai scientists go deeper still into their very genetic material, or germplasm. Because germplasm is a source of gene. Suppose we want to develop a drought tolerant variety, we have to collect gene tolerant to drought. And here we select germplasm from droughty areas and we collect it and plot it here for further improvement to transfer such gene to another material which is otherwise good but susceptible to drought. The aim of studying germplasm is to eventually breed new varieties with traits desired by industry. Conventionally, this happens through crossbreeding in the fields. But at Toklai, the process takes a detour through the biotechnology lab. Actually, with the morphological study, you cannot understand that what is inside in the genetic material and how the genes play a critical role for the, in the characteristics of giving the tolerance. With the help of the gene expression studies and the marker studies, you can identify easily. Marker studies are done so that biotechnologists can pinpoint the exact genes responsible for desired traits, for example, drought resistance. Biotechnologists also study how genes are expressed, that is, how genes behave in order to show up as traits like flavor or aroma.
But why do all these detailed genetic studies matter? That's because they will help in plant breeding programs of the future, when climate change will have unprecedented impact on tea cultivation. When that happens, tea growers will need plants that have a special cocktail of traits that may not exist in the natural world. Always with an eye on the future, Toklai scientists are playing with a radical idea cutting across Indian agriculture, e-agrarianism. What exactly does this mean? Simply put, it's empowering cultivation systems through intelligent technologies and smart gadgets. Let's take an example. Tea planters take soil composition very seriously. Soil needs to have just the right amount of moisture, nutrients, and pH content. In order to monitor these parameters, they need to get soil samples analyzed in a lab at regular intervals. This takes time, money, and manpower, so planters don't indulge in it too often. At Toklai, there's an experiment that hopes to change all that. We are putting in sensors in the soil, pH sensors, soil moisture sensor, and soil temperature sensors. And those sensors are sending electronic signals, and through IT intervention, we are actually converting those signals into the parameters units. Advanced computing solutions and remote sensing devices are provided by Kolkata's Center for Development of Advanced Computing, or CDAC, and the Department of Electronics and IT. So the tea plantation owners or the tea plantation managers can actually monitor these things at very frequent interval and at very low cost in terms of if you think of the time and the money or the manpower involved when you go for laboratory analysis. The e-agrarian approach extends to other areas of cultivation too, where planters need decision support or intelligent systems that help them make critical choices in the field. In this e-agrarian program, besides the sensors, we are also trying to monitor the pests activity within the plantations using our PTZ camera, which is a pan, tilt and zoom camera. And that camera can actually monitor certain sections of the garden 24 hours. It's like a CCTV that keeps a 24/7 check on infiltrating insects. Any foul play observed, and planters can take immediate measures before a full-blown infestation. For the first time, planters can also observe pest activity at night across every section of their 300 to 500 hectare plantation, all thanks to the camera's infrared capabilities. Ultimately, we are trying to go towards precision agriculture, where we will go section by section rather than the garden as a whole. But this is at the very initial stage of the experiment. So we have got some results and they are very encouraging. So we are further going forward with the next set of experiments. By listening to all this, I'm dying for another cup of tea. I will go get one, you get yours. See you after this short break. Wow! Let's get going with our journey with tea. As much as Toklai uses 21st century gadgets, it also uses its 100-year past for pest control. It is one of the oldest museums in Northeast India. It is a treasure of India. And more than 20,000 insect species, including pests and other associated insects, in Northeast India is preserved here since 1903 onwards. Welcome to the Insect Museum of the Toklai Experimental Station. It's one of the most unique of its kind, housing nearly every Northeast Indian tea pest under one roof. So far, more than 200 species of pest reported in tea plantation in our Northeast India. All pests are preserved here in a wet condition, and some pests are preserved here as a dry conditions. And except pest, all other associated insect also we are collecting from British time onwards, and we are preserved properly.
the museum doesn't just preserve antique insects. It's also important for planters, who can use the exhibits to identify which culprit pest has infested their plants. These relics also offer up important evolutionary clues to researchers. We can compare this insect in recent times and the insect of old times, because due to climate change and other anthropogenic actions, insects also adapt themselves with this new environment. How they adapt, we can easily distinguish by observing both specimens which are preserved in 1903 and recent past. The fact that there's an entire museum devoted to them shows just how important the study of insects or entomology is in tea research. Just like TRA's enthusiastic e-agrarians, entomologists too are looking at futuristic approaches of pest management. Specifically, integrated pest management, a holistic approach that aims to reduce dependence on chemical pesticides. Nowadays, this concept, this is integrated pest management, because this main problem is that pesticide residue, whatever pesticide they are using, it is creating a problem in meti, because the pesticide, whatever pesticide they are using, it is coming as residue to the finished product, which is harmful to our human health. And moreover, pest, whatever pest it is developing, day by day it is developing resistance. But if planters reduce the use of chemicals and toxic materials, how can they get rid of pests? By heading back into the botanical gardens and searching for tea cultivars that have an inbuilt power to fight pests. We have just now surveyed and we have identified so many plants which is having pesticidal activity and which is not harmful to the human health also. And so now we are just trying to generate some data, and we have already recommended some of the plants to the tea planters. The trend for reducing toxic chemicals is followed not just for pesticides, but also for fertilizers. How is this possible? The answer is tiny microbes hidden in the soil that are too small to see, but pack in a punch of nutrients. These microbes keep busy, maintaining nitrate and phosphate levels, which are essential for tea growth. They also help keep up the delicate acidic balance in the soil. Some microbes even help tea plants fight diseases that chemicals are helpless against. Toklai's microbiologists dig deep to uncover this rich bounty. We have been working on microbial biopesticides as well as the biofertilizers. We have developed the technologies just like Trichoderma. A Trichoderma is a soil fungus. We have isolated that one from the tea soil itself, and now we have patented the technology of mass multiplication technology of the Trichoderma. Toklai is committed to making tea production an ecologically responsible activity. If not, the tea shrub planted today will pay a stiff price later in its 50-year life when climate change comes a-calling. Now, what is happening is that in tea regions, the rainfall is decreasing and the minimum temperature is increasing. In the last about 96 years, we have lost more than 200 millimeters of rainfall. And similarly, in the same period, we have seen the temperatures has increased by 1.4 degrees centigrade. And it is impacting the tea production in many areas. So why wait for the inevitable to strike? Toklai has constructed special open-top enclosures that are like time machines, transporting tea cultivars into futuristic climate conditions. We are using this facility, open-top chamber, and in one chamber, we are giving carbon dioxide. And we are actually increasing the carbon dioxide level, and here it is reference. So we want to see what will be the impact on the cultivar. Say, for example, we are taking morphological parameter, then biochemical, then physiological. There is some impact of giving carbon dioxide on those plants, and we want to see which clone or which cultivar will positively show the effect for future scenario. This global warming effect
and the climate change effect that everyone is reading in media nowadays, actually will it affect the plantation or not? That is the first thing. And if it affects, then how we will be ready for it? So this in future initiatives, the projects that we are doing in Tea Research Association looks into this. It's time for another short break. Please don't go anywhere. Welcome back. Let's know some more facts about tea, its benefits, and its journey to reach us. If you've had a glimpse of the future of tea plantations, it's time to do the same in tea factories. This is where all the magic happens, where leaves from the same plant, Camellia sinensis, are transformed into different types of tea like black, green, white, yellow, or oolong. How does this happen? It begins with withering or drying leaves to reduce excess moisture. Then the leaves are given a rough and tumble treatment in two ways, by using CTC machines that crush, tear, and curl the leaf, or by using the orthodox method of rolling and twisting leaves. Both these processes help release the tea's enzymes and oils and expose them to oxygen. Exposure to oxygen is critical to extracting the full-bodied flavors and aromas of tea. And so they're further oxidized in a process called fermentation. Over several hours, the leafy granules change color from green to brown. They are dried thoroughly one last time to stop the oxidation process. The granules are then sorted according to size and sent on their way. Every step of this process impacts the taste and smell of the final tea we drink, which is why Toklai has set up an entire research facility to make these systems even more intelligent. Every day, batches of tea are produced in this model factory, just like they would in a commercial one. So what's the difference? Every stage in the assembly line is actually an experiment. A new method of automation, a new machine, or a new tweak or alteration to the established process. The model factory is built to answer the fundamental question: how many manually controlled processes can be automated in an intelligent manner? It's not just about setting up smart systems. The model factory also experiments with latest machines and instruments so that it can recommend the best ones for industry. One such machine is the radio frequency or RF dryer. Typically, in commercial factories, withering or drying tea leaves is left up to heating machines. But RF dryers use radio frequencies to do the same job. The consequence? Perfectly dried leaves, where no flavor is lost due to heat. The model factory is also invaluable when it comes to introducing new varieties of tea that are entering the market. Each carefully conducted manufacturing experiment affects the final product. So what are the results of the experiment? What is the quality of tea produced? Those are questions that are answered by biochemists. A single cup, an unimaginable number of processes hidden behind it. But beyond cutting-edge innovation and fancy machinery, the final proof of tea's palatability lies in the simplest test of all, the taste test. Long before the days of science labs and biochemical analysis, it was the humble taste buds that ruled. Today, tea tasters are some of the most sought-after professionals in the tea industry, and their skills lie somewhere between those of mad scientists and maestro artists. For a seasoned tea taster, a single cup can be an encyclopedia of information.
tasters use their delicate and nuanced senses of taste, smell, and sight to analyze the appearance, leaf density, moisture content, etc. of the sample. You have to sip the liquor to some extent of air with a loud noise, so that to some extent of air also sipped with, so that the liquor is bubbling with the air and it will be distributed entire your taste buds. Each sip conveys important information that tells the tea planter or manufacturer how to optimize their processes. It is this confluence of art and science that's the theme of all tea research, from the field to the factory to your home. So the next time you reach for that humble cup of chai, remember the many journeys it took to reach your lips. All that was some interesting journey. Now we know what all goes in getting that tea to our house. A single cup and an unimaginable number of processes hidden behind it. Please mail us your feedback on our show on ddscience@vigyanprasar.gov.in. Or you can also write in to us at Vigyan Prasar, A50 Institutional Area, Sector 62, Noida, Uttar Pradesh, 201309. For more information about our programs, please visit our website, www.vigyanprasar.gov.in. We will be back. Till then, bye-bye.